आपका जो भी एल्केन्स का डेरिवेटिव है, ये कंपाउंड है आपका सबस्ट्रेट, इसमें आपका एक पार्ट है एल्काइल और दूसरा पार्ट है आपका फंक्शन ग्रुप। ये फंक्शन ग्रुप जो है न्यूक्लियोफाइल के थ्रू सब्स्टिट्यूट हो जाता है और लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बन जाता है। ये लिविंग ग्रुप भी जो है आपका रिएक्शन को आपका फैक्ट करेगा, ठीक है। और SN1 हो SN2 हो, आपका दोनों की मैकेनिज्म अलग अलग होती है। SN1 में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता है, फिर उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और SN2 में आपका जो है ये इस साइड से अटैक करता है, ये आपका इधर बॉन्ड टूटता है, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कर रहा है। तो आपका लिविंग ग्रुप का हटना टूटना और आपका जो है न्यूक्लियोफाइल का उसके साथ बॉन्ड बनाना, ठीक है, ये दोनों एक प्रॉपर्टी होती है। तो आपका जो एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें एक तो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, रिएक्शन होगी नहीं होगी, अच्छी होगी SN1 से होगी SN2 से होगी SNI से होगी, कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है चीज। दूसरा आपका लिविंग ग्रुप, तीसरा आपका जो है न्यूक्लियोफाइल, चौथा सॉल्वेंट, इन सब पर जो है इन सब का मिलाकर एक हमारा रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है। तो इन्हीं सब चीजों को हमारे को डिटेल में डिस्कस करना है, अभी हम लोग लिविंग ग्रुप को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम जो है इन सब फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट रखेंगे, इसको भी और आपके सॉल्वेंट को भी, ठीक है, और लिविंग ग्रुप को वैरी करके देखते हैं कि भाई कौन कौन सी रिएक्शन में फेवर करता, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट आपका ये इस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि भाई आपका जो लिविंग ग्रुप है जो एक्स नेगेटिव है, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बन जाएगा आपका HX, ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या बनेगा वीक, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वीक। और आप जानते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से कि भाई जो इक्विलिब्रियम होता है ये आपका वीक की तरफ डिसोसिएट होता है। मान लो भाई आपका ये ए प्लस बी चेंजेस टू सी प्लस डी, ठीक है, तो रिएक्शन का केसी की वैल्यू मान लो 10^3 है, यानी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, यानी बैकवर्ड में कम आएंगे, बैकवर्ड में कम आएंगे नहीं, वो वीक है, ठीक है, कंबाइन नहीं कर पाएंगे आपस में, तो ये वीक बेस होगा उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ठीक। और दूसरा जो है इसमें पोलराइजेबिलिटी की पावर्स भी हम देखते हैं, ठीक है, और भी हम लोग कुछ केसेस को लिविंग ग्रुप्स के डिस्कस करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले जो है आपका ये जो है आपको दो पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि लिविंग ग्रुप वीक बेस हो, इनवर्सली टू 1/1 बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। जैसे आपका HF है, HCl है, HBr है, HF, ठीक है, तो इनमें आपका एसिडिटिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर इंक्रीज करता है, तो आपका F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, तो ये आपका डिक्रीजेस, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है और लिविंग ग्रुप पावर इंक्रीजेस। ठीक है, तो इसलिए आपका जैसे ट्राई फ्लोरो सल्फोनिक एसिड होता है,
ठीक है, ये आपका स्ट्रेस ऑफ फोर्स से भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है दैट इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप. ठीक, इसका कॉन्जुगेट बेस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप. ये आपका एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है. और दूसरा, लिविंग ग्रुप में पोलराइजेबिलिटी पावर होना चाहिए, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करे. ठीक है, ठीक है. इसीलिए आपका जो टोसाइल होता है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. टोसाइल जो है वो टीएसवी कह देते हैं इसको. ठीक, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप माना जाता है. और जैसे अब ओएचए, ये आपका एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है, लेकिन इसके कंपाउंड को टोसाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, तो ये आपका एक अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और आगे कन्वर्जन में इसका यूज कर सकते. ठीक है, तो ये दो पावर्स हैं, इनके बेसिस पर हम लोग आपको ग्रुप्स की जो है, तो ये आपका एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है लिविंग ग्रुप्स पावर्स का, इसको आप लोग कॉपी कर ले. और इसमें सबसे ऊपर एजो बहुत अच्छा ग्रुप है, फिर ऑक्सोनियम आयन विद ईथर, देन फिर सल्फर कंपाउंड्स हैं. ठीक है, और आपके फिर सल्फर के बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं, देन आरआई, आरबीआर, फिर आरओ, सीओ, सीएफ3, फिर एल्कोहल का आपका जो है प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट है, देन आरसीएल, आरएफ, आरसीओ, सीएच3, आरओएच, आरआरओआर, आरएच. आर में मतलब एच जो है बहुत ही पुअर, तो आरओएच, आरओआर या आरएच ये आपके बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है. तो पुअर लिविंग ग्रुप को हम गुड लिविंग ग्रुप में भी कन्वर्ट कर लेते हैं और उनकी प्रोटोनेशन वगैरह करते हैं. तो अब इसको डिस्कस करेंगे हम लोग. तो जैसे आपका मान लीजिए आरबीआर है प्लस ओएच एक्वस है, ठीक है, तो आपको पता है कि भाई ये गुड लिविंग ग्रुप है ओएच के कंपैरिजन में. ठीक है, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा. लेकिन यदि आप इसका उल्टा करें, मान लो इसकी यानी बीआर वगैरह से रिएक्ट कराते हैं, जिससे आपको बीआर नेगेटिव आयन मिल जाता है, ठीक है ना, तो ये आपका कोई रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है आपका पुअर लिविंग ग्रुप. ठीक है, और ये उसको मुकाबले बेटर है, गुड है. तो आप जो है गुड लिविंग ग्रुप को पुअर से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो पुअर है उसको गुड से रिप्लेस नहीं कर सकते. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको रिएक्शन कराने के लिए कि आपका आरओएच की रिएक्शन एचबीआर से कराते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आरओएच का पहले प्रोटोनेशन हो जाता है, ये ऑक्सीजन के पास दो पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसने इस पर अटैक करा, आरओएच टू पॉजिटिव बन गया. ठीक है, अब जो ये ROH2 है, ROH से ROH2 जो है आपका पुअर लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया. तो यहां पर आपका वाटर माइनस हो गया, R पॉजिटिव बना, इससे BR नेगेटिव में रिएक्ट करा और RBR बना. ठीक है, दूसरी बात आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ROH है, तो यदि ये आपका RBR प्लस OH नेगेटिव बनाता तो ये इसको वापस रिवर्सिबल ले आ सकता. ठीक है, और यहां पर क्या है आपका नेगेटिव चार्ज लिविंग ग्रुप है, और यहां पर ये क्या है न्यूट्रल लिविंग ग्रुप है. ठीक है, तो न्यूट्रल लिविंग ग्रुप जो होते हैं मोर स्टेबल होते हैं कंपैरेटिव चार्ज आपके लिविंग ग्रुप से. तो जो है इसलिए आपका ये मान के चलिए कौन नाम हमने टॉसाइल क्लोराइड रखा, जिसे आप TSCL के नाम से जानेंगे. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर वैसे ये होता है, पैरा टॉलविन सल्फोनिल क्लोराइड. ठीक है, देखिए ओएच जो होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, लेकिन टॉसाइल ऑक्सीजन के होते हुए भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है. उसका रीजन ये होता है कि जब आपका ये टॉसाइल नेगेटिव आयन के रूप में आ जाता है, ठीक है, जैसे आपने मान लो आपका आर ओएच है, इसकी टीएससीएल से कराई रीडिंग की प्रेजेंस में,
आपका आर ओ टी एस बन गया, ठीक है, माइनस एच सी एल हो गए क्रिडिनियम क्लोराइड के फॉर्म में। तो ये जो टॉसाइल होता है इसमें तीन ऑक्सीजन आपके आ जाते हैं, तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इन तीन ऑक्सीजन में डीलोकलाइज हो सकता है रेजोनेंस, जिसकी वजह से ये बहुत स्टेबल आयन बन जाता है और एक जो OH पुअर लिविंग ग्रुप होता है यहां पर ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी रिएक्शन हम जिस भी आगे से सबस्ट्रेट क्वेश्चन है इसके बारे में, ये आपका जेई में आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर्स का, तो आपकी क्या ओपिनियन है? ठीक है, इसमें ग्रुप्स पूछे गए हैं जिनकी लिविंग एबिलिटीज के बारे में आपने बताना है, ठीक है, तो इसी मतलब एसिटाइल है, ठीक है, एनी मतलब मिथाइल है, तो सी आपके इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम एसिड बना लेते हैं, ये आपका सी एच थ्री सी ओ एच ए फर्स्ट, दूसरा मिथेनॉल है, तीसरा MeO SO2 HN और तीसरा CF3 तथा आपका SO2 OH। तो इसमें आप सोचिए कि भाई सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, सबसे स्ट्रॉन्ग ये है EF3 SO3H इज स्ट्रॉन्गर देन Me SO3H से, देन आपका CH3 COH देन C3H। तो इसमें जो इनका कॉन्जुगेट बेस है इसका सबसे वीक होगा, ठीक है, दैट इज दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है, तो इनका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो इसका सबसे वीकेस्ट होगा, सॉरी ये नहीं था ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, तो इसलिए तो इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। तो आप इनमें लिविंग ग्रुप ये है आपका, इसमें लिविंग ग्रुप ये है और इसमें लिविंग ग्रुप ये है और इसमें लिविंग ग्रुप, ठीक है, इसके लिविंग ग्रुप के जो बेस बन रहे हैं उनके कॉन्जुगेट एसिड बना ले तो उसका ये बनेगा, इसका एच आई बनेगा, इसका स्त्रीओ पॉजिटिव बनेगा और इसका सी एच थ्री सी ओ एच बनेगा। तो देख लीजिए इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, उसके बाद फिर ये है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बाद ये फिर ये फिर सबसे ये, तो आपका जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है उनका वीक बेस बनेगा और वो बेस्ट।